सैकड़ों चुनौतियों के साथ कानपुर पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालने पहुंचे आईपीएस बीपी जोगदंड। कानपुर अपराध व अपराधियों पर लगाम लगाने की सरकार की मंशा पर खरे न उतर पाने के चक्कर में विजय सिंह मीणा जैसे तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर को कानपुर से हटा दिया गया, जिसके बाद जिले की कमान आईपीएस बीपी जोगदंड के हाथों में सौंप कर सरकार चैन की सांस लेना चाहती है। भले ही सरकार चैन की नींद सोना चाहती हो, पर कानपुर के साउथ जोन के अपराधी पुलिस कमिश्नर को चैन की सांस तक नहीं लेने देना चाहते हैं। अभी तक जिले में तैनाती के बाद से ही आईपीएस अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य कानपुर की बिगड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना रहता था, पर अब कई हद तक कानपुर वासियों ने यातायात नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। तो वहीं आजकल शहर में चरस गांजा की बिक्री, सोशल मीडिया पर अवैध असलहों की नुमाइश, गैंग बनाकर आए दिन लड़ाई झगड़े, घर से उठा ले जाकर लोगों की पिटाई करने जैसी वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह पहले तैनाती के बाद शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अधिकारियों के लिए सरदर्द बनी रहती थी, उसी तरह कानपुर में नवागत पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड के लिए नशे के कारोबारियों पर अंकुश लगाना, राजनीतिक संरक्षण के कारण गैंग बनाकर आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले युवकों पर लगाम लगाना, ये समस्याएं नवागत पुलिस कमिश्नर के लिए सिरदर्द बनने का काम कर सकती हैं। हालांकि बीपी जोगदंड के कार्य करने का तरीका सबसे अलग माना जाता है। जहां अधिकारी अपने निचले कर्मचारियों को डांट फटकार लगाकर कार्य करते हैं, तो बीपी जोगदंड अपने कर्मचारियों को बिना डांट फटकार लगाए उनसे कार्य सही तरीके से करवा लेते हैं। राजधानी लखनऊ में तैनाती के दौरान बीपी जोगदंड को थानों की जगह जनता अधिकारियों के यहां चक्कर लगाते देखा गया था, जिसको लेकर कई थानेदारों पर कार्यवाही की थी। वैसे कानपुर के हाल लखनऊ से भी बदतर है, जिसको लेकर कानपुर में भी कई थानेदारों की थानेदारी छिनने की नौबत आ सकती है। वैसे इस समय कानपुर का साउथ जोन अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। देखते हैं कानपुर के नवागत पुलिस आयुक्त साउथ जोन में बढ़ रहे अपराध पर अंकुश लगाने के लिए क्या कार्यवाही करते हैं। कानपुर में मेरी ये दूसरी नियुक्ति है। इससे पहले भी आप लोगों ने हमारे कार्यकाल को देखा है, कार्यप्रणाली को समझा है। वर्तमान समय में शासन की जो वरीयताएं हैं, प्राथमिकताएं हैं, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था के संबंध में, उन सभी वरीयताओं को अक्षरशः निष्पक्षता से और सख्ती से लागू किया जाएगा। यहाँ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं कानपुर की, उसके संबंध में मैंने अपने साथी अधिकारियों से वार्ता की है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर समस्याएं हो, उनको वरीयता पे लेके एसओपीज बना के उनका एक चिरकालीन समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उस पर हम प्रयास भी करेंगे, सभी कार्य हम प्रयास करेंगे कि एक एसओपी बन जाए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है, मानक प्रक्रिया होती है, उसी के आधार पर चले। किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्ति विशेष का जो अपना मत है, उसके आधार पर कार्यप्रणाली ना हो, सिस्टम्स को सुदृढ़ किया जाएगा। कमिश्नरेट नई स्थापित हुई है, इसका जो ढांचा सरकार ने स्वीकृत किया है उसको पूर्ण रूप से अक्षरशः लागू किया जाना, इसका भी हमारा प्रयास है। जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो माहौल बिगाड़ने का या अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रथम वरीयता है पब्लिक ऑर्डर, शांति व्यवस्था इस जनपद की बनी रहे। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।